हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कुमेल। वेलकम टू लेट्स ग्रो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्रिड लेआउट के बारे में। ग्रिड लेआउट हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मीडिया क्वेरी के बारे में डिस्कशन की थी और फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मगर उसके साथ साथ हम जो ये ग्रिड लेआउट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम किसी वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हैं या किसी जो पर्टिकुलर आइटम है, पर्टिकुलर डिव है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारे वेबसाइट में होता है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जो इसमें होते हैं कुछ पेरेंटल वैल्यू और कुछ चाइल्ड वैल्यू। आने वाले पार्ट्स में हम पेरेंटल वैल्यू भी देखेंगे और चाइल्ड वैल्यू भी देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ग्रिड लेआउट की मदद से मैंने एक टेम्पलेट, एक लेआउट क्रिएट किया है। वो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो नेविगेशन बार है वो है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साइड बार है, और यहाँ पे तीन जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे मैंने लगाए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मेन सेक्शन से एक मैंने जो डिव है वो रखा है, और यहाँ पे एक फुटर के नाम से मैंने फुटर के लिए एक डिव रखा है। ये जितने भी हैं मैंने सारा इसमें जितने भी ये लेआउट क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ सीएसएस ग्रिड का यूज़ किया है। मैं ये जो वेब पेज है ये रिस्पॉन्सिव भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, एक मिनट, इंस्पेक्ट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जो यहाँ पे साइड बार है वो जैसे मैं इसकी वेट डिक्रीज करूँगा तो ये साइड बार राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ, और जैसे ही मैं इसकी वेट थोड़ी सी और डिक्रीज करता हूँ तो ये जो साइड बार है वो इन बॉक्सेस के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन बॉक्सेस के नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो लेआउट है वो रिस्पॉन्सिव है। मैं इस लेआउट में कोई भी कंटेंट डालूँ तो वो ओवरफ्लो नहीं करेगा इन बॉक्सेस से, ये जो मैंने डिव लगाए हैं। मैं अब इसका आपको कोड सोर्स दिखाना चाहूँगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है। इनमें मैंने जो मीडिया कॉइल है उसका भी यूज़ किया है कि कितनी विड्थ पर आ जाए और कौन सा डिज़ाइन ये अपना ले। मैंने जो मीडिया कॉइल है उसका भी यूज़ किया है, और जो मेरा कोड सोर्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यह भी एक पेरेंट डिव है जिसका नाम मैंने कॉन रखा है, जिसको मैंने एक क्लास कॉन यानी कि कंटेनर, और इसमें मैंने कुछ आइटम्स रखे हैं। जैसे कि नेव को मैंने आइटम वन नाम दिया है, असाइट को आइटम टू, आर्टिकल को आइटम थ्री, और एक और मैंने टैग लिया है आर्टिकल के नाम से, उसको आइटम फोर। इसी तरह मैंने तीसरा भी आर्टिकल के नाम से एक टैग ओपन किया है, उसको भी मैंने आइटम फाइव, और यहाँ पे सेक्शन को आइटम सिक्स और फुटर को आइटम सेवन। ये जो एल आई है, एंकर टैग है, ये आपको शायद इसके बारे में पता होगा। हेडर होता है जो H1। यहाँ पे मैं आपको CSS फाइल दिखाना चाहूँगा। CSS में सबसे पहले मैंने पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स रखे हैं, और उसके बाद मैंने बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है ताकि जितनी भी आइटम है वो सेंटर में आ जाए, और इसको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों को मैंने सेंटर रखा है, और मैंने इसको हाइट भी 100 VH दी है ताकि ये जो बॉडी का हाइट है वो 100 VH तक हो। और यहाँ पे जो आइटम है, जितनी भी आइटम यहाँ पे मैंने रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जितनी भी आइटम रखे हैं उन सबको मैंने विड्थ और हाइट ऑटो दी है। और इसके बाद मैंने कुछ बैकग्राउंड्स, इन जितनी भी आइटम है उनको कुछ बैकग्राउंड दी है,
उसके अलावा यहाँ पे आइटम वन को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है। और ये तो पिछले वीडियो की बात ही थी कि मैंने जो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किया था। और अब इस वीडियो में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जो पेरेंटल डिव है, उसको मैंने डिस्प्ले ग्रिड रखा है। जैसे कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स रखते थे, इसी तरह हम इस जो डिव लेआउट है इसमें हम डिस्प्ले ग्रिड रखेंगे। डिस्प्ले ग्रिड रखना ज़रूर है। अगर हम डिस्प्ले ग्रिड ना रखें तो ये जो जितनी भी वैल्यू है वो इन पर काम नहीं करेंगे। या इन पेरेंटल वैल्यू में एक और जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है ग्रे टेम्पलेट कॉलम, ग्रे टेम्पलेट रो। ये हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे जो इन सारे ये कैसे इनका काम क्या होता है। और एफ आर के बारे में भी हम देखेंगे, 1 FR किसे कहते हैं, 2 FR किसे कहते हैं, और इसी तरह 3 FR किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक ग्रिड गैप के नाम से एक प्रॉपर्टी है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो नीचे है वो चाइल्ड वैल्यू है, इसमें ना जो मैंने वैल्यू का नाम है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है उसका नाम है ग्रेड कॉलम और ग्रेड रो। ये हम आने वाली पार्ट्स में इनको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया है और इन पर भी कुछ वैल्यू वैल्यू का यूज़ किया है। और आज ये जो पार्ट था वो उसका हम एंड करते हैं और हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्द से जल्द आ जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्यूटोरियल के साथ। टेक केयर, बाय, गुड लक।